जी अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ रुमैसा परवेज़ एंड हेयर आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेड्स एजुकेशन. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन द गाइडलाइंस रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ओके गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज़ एक्चुअली द बेस ऑफ फार्माकोलॉजी. तो जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. जो इसमें से यूनिवर्सिटी के लिहाज से हम बात करें तो इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, और एमसीक्यूज इसमें से 5 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, और इसके साथ मिल के 6 जो एमसीक्यूज होता है वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में से एडअप हो रहा होता है. तो एज़ आई टोल्ड यू पीपल दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ द बेस ऑफ फार्माकोलॉजी. तो जब बेस ऑफ फार्माकोलॉजी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. तो जो इसके लिए बुक्स पढ़ी जाती हैं वो कैटजंग है और लिपनकॉट है. ये जो आपके सामने पेज ओपन है ये लिपनकॉट का है बेसिकली. सो कैटजंग बहुत अच्छी बुक है, बट आई डू प्रेफर कि आप लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लिपनकॉट पर से करें, क्योंकि लिपनकॉट में काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी डिटेल डिस्कशन है. और इसका यह है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका एक एसीक्यू कवर हो गया तो दैट्स फाइन. आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इस पे ग्रिप होगी, तो आपका नेक्स्ट जो दूसरे सिस्टम है जैसे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है उसमें आपको बहुत हेल्प होगी. GIT है, GIT में बहुत हेल्प होगी. वो आगे जाके रिलेट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल है वहाँ पे. रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको अच्छा से आएगा. सो दैट्स व्हाई आई डू प्रेफर कि आप लिपनकॉट पढ़ें, बट जो कैटजंग पढ़ना चाहते हैं तो चॉइस इज़ योर्स. सो लेट्स स्टार्ट. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये आपको एज सच इतना कोई डिटेल्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एक दफ़ा रीड करें एंड प्रॉफ के लिए भी आप छोड़ दें तो इट डजेंट मैटर. इसमें से आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पेरिफेरल सिस्टम में जो इफ्रेंट और एफ्रेंट फाइबर्स होती हैं, बेसिकली ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा होता है. इसके अलावा अगर आप लोग नेक्स्ट चलें तो आपके पास आ रहा होता है कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं, इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए. इसके अलावा जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होती हैं और पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स होती हैं, इसका आपको ये एमसीक्यूज होता है कि जो थोरैकोलंबर रीजन होता है वहाँ से सिंपथेटिक न्यूरॉन्स का रीजन हो रहा होता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है. और अगर हम लोग आगे चलें तो आगे हमारे पास सेम एज इट इज़ पैरासिम्पथेटिक आ रही होती हैं, और पैरासिम्पथेटिक का जो रूट होता है वो क्रेनियोसैक्रल होता है. क्रेनियोसैक्रल जो सैक्रल रीजन है वो S2 से S4 सेगमेंट और क्रेनियल कुछ नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं. उसके बाद आगे आपको पता है कि सिंपथेटिक सिस्टम में आपका पास फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स आता है, और पैरासिम्पथेटिक में ऑब्वियसली रेस्ट एंड डाइजेशन का फेज आता है. अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इस वजह से कि आप हर सिस्टम पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो. अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे सिस्टम वाइज उन्होंने बताया हुआ है सिंपथेटिक का रोल और पैरासिम्पथेटिक का. सो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मैं टिपिकल एग्जांपल जो दिया करती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, आप हैं, मैं हूँ, हम किसी पिकनिक स्पॉट पे किसी जंगल में थोड़ा इन्जॉय करने गए हैं कज़न्स के साथ, फैमिली के साथ. वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कोई वाइल्ड एनिमल. अब जस्ट इमेजिन वाइल्ड एनिमल को देख के आपका कौन सा रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा. ऑब्वियसली डर लगेगा और वहाँ से आप भागने की कोशिश करोगे. तो कौन सा एक्टिवेट होगा? फ्राइट एंड फ्लाइट. दैट इज़ कॉल्ड सिंपथेटिक. अब यू पीपल कैन इमेजिन के सिंपथेटिक सिस्टम में आपके साथ क्या क्या हो सकता है. अगर आपको ये डायग्राम नहीं भी आती तो भी आप लोगों का गुजारा चल सकता है अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है. अब ये है कि मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि कौन से सिस्टम को ब्लड सप्लाई जा रही होती है, कहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है सिंपथेटिक के फाइबर से, कहाँ जो है वेजो डायलेशन हो रही होती है डिपेंडिंग अपॉन रिसेप्टर्स, और आगे फिर जब ड्रग्स को रिलेट करेंगे. तो ये है कि अब जब आपने कोई वाइल्ड एनिमल देख लिया, आप खुद जस्ट इमेजिन करें कि क्या आप बैठ के वहाँ पे पिकनिक इंजॉय करने का सोचेंगे या आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे. ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे कि यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें हम लोग घर से लेके आए थे और हमने खानी थी, हमने इंजॉय करना था. तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, जो एपिटीट है वो सप्रेस हो जाएगी, GIT की मोर्टेलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको भूख ना लगे, आपने उस
जो वाइल्ड एनिमल है उससे इस्केप करना है, तो आपकी जीएटी की जो मोर्टेलिटी होती है वो डिक्रीज़ कर देगी। इसके अलावा हार्ट बीट हमेशा जब भी कोई चीज़ देखते हैं हम डर जाते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, गॉट इट। उसके अलावा ये है कि आपको डेफिकेशन रिफ्लेक्स या यूरिनेशन का प्रोसेस, अगर आप क्या सोचोगे, आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने उस जगह से भागना है, स्केप चाहिए मुझे उस वाइल्ड एनिमल से, तो आपका जो यूरिनेशन वगैरह का प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। कैसे इनहिबिट हो जाएगा? ऑब्वियसली स्फिंक्टर्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो है आपका डिट्रूजल मसल होता है वो रिलैक्स कर जाता है, तो ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये इसमें आ जाता है कि जब आपका भाग रहे होते हो आप, तो आपके जो है सांस आपका फूलना शुरू हो जाता है, आपको ज़्यादा एयर रिक्वायर्ड होती है, तो वेसल्स डायलेट करना शुरू हो जाती है। कौन सी वेसल्स? जो हमारे पास लंग्स को जा रही होती हैं, ब्रोंको डायलेशन होना शुरू हो जाती है ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स में। अब डायलेशन जब होगी तो ऑब्वियसली ये हमारे पास सिंपथेटिक सिस्टम का आ रहा होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जब हम भाग रहे हैं तो हमारे भूख एपिटेट सप्रेस हो गई है, तो हमें जीआईटी का इतना फंक्शनिंग नहीं कर रही, जीआईटी इतना फंक्शन नहीं कर रही, तो उसको ब्लड कम रिक्वायर होगा। तो जो वेसल्स हमारे पास जा रही हैं, जो वहाँ पे जाके ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं जीआईटी को, तो वो क्या करेंगी, उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो हमारे पास जब हम भाग रहे हैं तो वेसल्स जो पेरीफ्री में हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रही हैं कि एनर्जी मिले और हम ज़्यादा दौड़ सकें, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेजोडायलेशन हो रही होगी टुवर्ड्स द पेरीफ्री। तो इससे कॉन्सेप्ट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा होपफुली। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको आपने सिर्फ रीड करना है, ये रिफ्लेक्स आर्क आपको पहले से पता है, आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई प्रेफर आप लोग ये चैप्टर ना करें, जो मैं मार्किंग करा रही हूँ आप बस वो कर लें, ये पैरासिम्पथेटिक सिम्पथेटिक का एक दफ़ा देख लें तो फेयर इनफ। उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन का है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म है, ये आइनोट्रॉपिक का इफेक्ट है आपके पास, ये आपके पास जी प्रोटीन कपल्ड है, जी प्रोटीन कपल जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स में किस तरह से कौन से रिसेप्टर्स किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिवेट हो रहे हैं उसमें सिर्फ इसका रोल है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। इस चैप्टर को हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, इससे ज़्यादा आप लोगों को इस चैप्टर में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स डायग्राम्स बता देती हूँ, जो यहाँ से कर रहे हैं लिपन कॉर्ड से वो ये चीज़ें जो हैं वो आप एक दफ़ा कैटजंग से देख लें। अब ये डायग्राम मैंने कैटजंग की ली हुई है, जहाँ पर आपके पास यहाँ प्री गैंग्लियोनिक का कॉन्सेप्ट, पोस्ट गैंग्लियोनिक का फाइबर्स इन्होंने दिया हुआ है कि पैरासिम्पथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्यों शॉर्ट होते हैं? क्योंकि उनका जो इफेक्टर ऑर्गन है उसके पास गैंग्लियन होता है, और सिम्पथेटिक फाइबर्स का जो गैंग्लियन है वो नियर द स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसकी वजह से प्री गैंग्लियोनिक सिम्पथेटिक के शॉर्ट होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होते हैं। एक ये डायग्राम आप कर लीजिएगा। उसके अलावा आपके पास जी ये वाली आपके पास डायग्राम होगी, जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स का उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये आप जो है ना नेक्स्ट लिपन कॉर्ड का जो चैप्टर है जिसमें कोलिनोमोमैटिक्स का डिस्कशन हुई है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ द अबाउट द रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लिपन कॉर्ड के आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, लेकिन क्योंकि कैटजंग के फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू हेयर। और वो क्योंकि हमारे पास ये भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने बता रहा हुआ है कि कहाँ कहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये डायग्राम्स आप एक दफ़ा कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, तो इट्स फेयर इनफ। थैंक यू।